हेलो, वेलकम टू अनडिफाइंड एकेडमी। माय सेल्फ इज सुप्रिया कुमारी फ्रॉम जीपी गुलजारबाग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गुलजारबाग, पटना 7। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोकपल के बारे में। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, टाइप ऑफ थर्मोकपल्स, वर्किंग ऑफ थर्मोकपल, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोकपल, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ थर्मोकपल। थर्मोकपल के कंस्ट्रक्शन में हम पढ़ेंगे, इसमें दो डिफरेंट मेटल एलॉयज से बना हुआ होता है। टू ट्विस्टेड ऑफ डिफरेंट मेटल एलॉयज कन्वर्ट टेम्परेचर एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर डिफरेंट बिटवीन मेजरिंग जंक्शन, रिफरेंस जंक्शन। इसमें दो जंक्शन होता है, जिसको एक को जंक्शन और दूसरा को रिफरेंस जंक्शन बोला जाता है। इजी टू यूज एंड ऑपरेट, इसका उपयोग इजी होता है। थर्मोकपल डिफरेंट टाइप के होता है, जिसमें से जे टाइप, के टाइप, एन टाइप, पी टाइप, ई टाइप एंड आर टाइप, एस टाइप, बी टाइप और सी टाइप होता है। इसमें से के होता है जो मैग्नेटिकल प्लस एक्सिमेंट का बना हुआ होता है, उसे के टाइप कहते हैं। जे टाइप का कंट्रक्शन इस प्रकार होता है एंड पी टाइप का होता है, ई टाइप का एंड एन टाइप का और बी टाइप का। कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोकपल नेक्स्ट पढ़ेंगे। थर्मोकपल्स आर कंस्ट्रक्टेड बाई टू डिफरेंट मेटल दैट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, द एंड्स ऑफ द टू ट्विस्टेड वायर। थर्मोकपल होता है जो दो डिफरेंट मेटल का बना हुआ होता है, जो आपस में एक जगह पे ट्विस्टेड होता है। कैन बी ट्विस्टेड अक्रॉस कंपाउंड एंड मेटल टुगेदर। जनरली द टू एंड्स आर ज्वाइंट बाई द ट्विस्टेड वेल एंड बल्ट एंड वेल्ड। इसमें डिफरेंट का वायर होता है, उसमें से एक को वेल्ड एंड एक को बल्ट बोला जाता है। थर्मोकपल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, थर्मोकपल के ऑपरेशन के बारे में बोले जाए। इन 8-1 थर्मोजंक्शन सीबैक ऑपरेशन ऑब्जर्व एंड द एक्सटेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF एट द जंक्शन फॉर्म्ड बिटवीन टू डिसिमिलर मेटल्स सीबैक इफेक्ट। यह है जो सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। सीबैक इफेक्ट इज एक्चुअली द कंस्ट्रक्टेड रिजल्ट ऑफ द टू फिनोमिना थर्मल एंड पेंटियर इफेक्ट। इस थर्मोकपल है जो थ्री डिफरेंट टाइप के अथवर पे इफेक्ट करता है। इसमें से एक को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जंक्शन सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट एंड सीबैक इफेक्ट एक्चुअली द कंबाइंड रिजल्ट ऑफ टू अदर पेंटियर एंड थॉमसन पेंटियर इफेक्ट। थॉमसन ऑब्जर्व एंड द एक्सिट ऑफ द एन EMF ड्यू टू द कॉन्टेक्ट ऑफ टू डिसिमिलर मेटल्स द जंक्शन टेम्परेचर। यह है जो दो जंक्शन के बीच डिफरेंट टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। पेल्टियर डिस्कवरमेंट ऑफ द टेम्परेचर ग्रेडियंट अलोंग कंस्ट्रक्ट इन ए सर्कुलर जनरेट एंड EMF एक EMF को जनरेट करता है। द थॉमसन इफेक्ट इज नॉर्मली मस्ट सिमिलर डेट द पेल्टियर इफेक्ट। थॉमसन इफेक्ट पेल्टियर इफेक्ट सिमिलर होता है। वर्किंग ऑफ थर्मोकपल्स, थर्मोकपल्स जो है तो जंक्शन के बीच के टेम्परेचर को मेजर करता है। इट इज जनरली रिसेबल टू एग्ज्यूम डेट द EMF इज जनरेट एंड इन द वायर्स नॉट इन द जंक्शन एंड सिंगल इन जनरेट वेन DT/DX इज नॉट जीरो। इस दोनों के बीच का जो डिफरेंट होता है, जो जीरो से जो के बराबर नहीं होता है। व्हेन द मेटल्स आर होमोजीनियस ई एंड द थर्मेस्टिक पावर इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर टेम्परेचर को
मेजरमेंट करता है। टू वायर्स बीइंग एंड इट इज सेम टू टेम्परेचर, ये होता है जो दो प्रकार के वायर होता है, एक कोल्ड और एक हॉट होता है, ये दोनों के बीच का डिफरेंस मेजर करने वाला वोल्टमीटर होता है। थर्मोकपल्स एप्लीकेशंस, थर्मोकपल एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। पेल्टियर जंक्शन मोल्डिंग मेजरमेंट, फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट डिजाइन, सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग में यूज होता है, हीट ट्रेंडिंग, मेडिकल इक्विपमेंट मेडिकल में भी इसका उपयोग होता है, इंडस्ट्रियल हीट ट्रेंडिंग इंडस्ट्री में हीट मेजरमेंट करने में इसका उपयोग होता है, पैकेटिंग इक्विपमेंट को पैकेट को अच्छा करने के लिए इसका उपयोग होता है। थर्मोकपल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये होता है जो सिंपल रब होता है, हाई टेम्परेचर ऑपरेशन होता है, लो कॉस्ट होता है, इसका प्राइस भी लो होता है, नो रेसिस्टेंस लेड एंड वायर प्रॉब्लम होता है, फास्ट रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज होता है। और इसका डिसएडवांटेज में हम पढ़ेंगे, इसमें लीस्ट स्टेबल लीड रिसोपेंसेबल होता है, लो सेंसिटिविटी टू स्मॉल टेम्परेचर चेंज को भी बता देता है, छोटा से छोटा भी स्मॉल टेम्परेचर को मेजरिंग करके बता देता है। सीएनसी वायर मस्ट बी ऑफ सेम टेम्परेचर टाइप होता है, सेम होता है। वायर में भी पिक अप रिटार्डेड इलेक्ट्रिकल नॉइस इज नॉट सेलेक्टेड, ये होता है, इसका एक्यूरेंसी लो होता है। थैंक यू।